हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैं बना रही हूँ छिल्ली की रोटी। तो देखिए, आप मैंने आपके साथ शेयर किया, कभी कभी ना मतलब नहीं बनती है मेरे को, इतने अच्छे से बनानी भी नहीं आती है। इसके लिए हम मतलब बहुत गर्म पानी चाहिए होता है। मैंने गैस के ऊपर गर्म पानी किया है। तो देखिए ना, यहाँ पे मैं बना भी रही थी और ये थोड़ा सा ढीला हो गया था आटा, और उतने में ये छूट गई। देखिए आप, जितने में डालने लगी तो ये छूट गई। तो फिर से मैंने शुरू की और फिर से मैंने डाल दी। ये अंशु पीछे ये जा रही थी स्कूल, और जाते हैं मतलब 9th से ऊपर के, अब स्कूल ओपन हो गए हैं। तो फिर सोशल डिस्टेंस के साथ, और जो भी है मतलब इसका COVID-19 का, तो इसका पालन करते हुए। तो देखिए यहाँ पे मतलब ऐसे ना ऐसे निकालती हूँ, ऊपर से पानी डालेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नीचे से मैं आटे के साथ बनाती हूँ, जिस तरह से चपाती बनते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनानी है। तो फिर इसमें मैंने ऊपर से पानी, अगर मोटी रह गई होगी तो ऊपर से पानी, इसमें वो पानी से निकाल सकते हैं आटा। इधर देखिए जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। मतलब किसी को मोटी पसंद होती है और किसी को पतली। अगर मोटी तो मोटी तो ठीक है, हाथ के ऊपर मोटी भी बन जा, मोटी ठीक रहती है। तो अगर पतली चाहिए, क्योंकि मेरे को पतली रोटी पसंद है तो मैं पतली खाती हूँ, तो इसलिए मैं इसे आटा निकाल रही हूँ। तो देखिए आप, इस तरह से बहुत अच्छी बन जाती है। और ये भी थोड़ी सी यहाँ पे चिपक गई थी, क्योंकि इस साइड से चाय तवा गर्म नहीं था तो थोड़ी सी चिपक गई थी, बाकी ठीक था। मतलब ये देखिए कितनी अच्छे से निकल गई है। कोई ऑयल ऑयल भी नहीं लगाना होता इसमें, तो ऐसे से ही बन जाती है। ये देखिए मैंने दूसरी डाल दी। फिर मैंने आपके साथ थोड़े से मतलब शेयर किया है, वैसे तो मैंने पहले भी किया है, मतलब उतने अच्छे से नहीं। मैंने सोचा आज मैं अच्छे से कर लूँ आपके साथ शेयर। तो देखिए आप, ऐसे से मैंने ये छिल्ली की रोटी बनाई है। मतलब बेटे को बहुत पसंद है, बेटा बहुत ज़्यादा खाता है। तो इसके लिए हम हर रोज़ ही समझो 2-3 बना लेते हैं, तो अच्छा रहता है। जिसकी पसंद है वही तो नहीं, उसके लिए बनाओ। शौक भी रहता है बनाने का, नहीं खाता है कोई तो अच्छे से बनानी, मतलब उतने अच्छे से सब कुछ रहता है। तो बेटा बहुत ये खाता है, दूध के साथ खाता है, बाकी ये हम तो बहुत कम खाते हैं। देखिए फिर से मैंने पलटा मार दिया इसमें, और साथ में साग है। देखिए मैंने साग की सब्जी बनाई है सरसों का, तो साग के साथ बहुत तो यम्मी लगती है। तो देखिए मैं फिर से मतलब 4-5 बनाई थी मैंने, एक मैंने खा ली थी और एक बेटी ने, बाकी बेटे को हुई थी, बाकी बेटे नहीं खा ली। इसको बहुत पसंद है, तो हम तो इसको ऐसे भी रहने देते हैं। फिर चले गई थी मैं घास को, ये है फिर दोपहर के बाद, और 3-4 बजे मतलब 2-2.5 बजे, 3-4 बजे नहीं सॉरी 2-2.5 बजे का टाइम है। तो फिर आ गई थी मैं वापस, और ये है सामने का व्यू। ये ना ये सारा मैंने मतलब ये गाय को रखी है घास, अब काटने को नहीं रही है, अब गाय को ही लाते हैं। तो ये थोड़ी सी मैंने गाय को रखी है, तो थोड़ा थोड़ा करके, अभी सूखी है घास तो फिर हरी घास अगर काटेंगे तो सूख जाएगी, इस तरह से ऐसे रखी है। तो देखिए आप, सामने का व्यू बहुत ही प्यारा है। ये मैं फिर से चली गई थी, तो क्या बोलते लकड़ी है ना बगीचे में, तो जैसे पौधे देखिए यहाँ पे सूखा हुआ पेड़ है, तो इस तरह से देखिए सूख गए, मतलब पत्तियाँ झड़ गई हैं, इस तरह से पेड़ रहते हैं। अब तो सूखी लकड़ी की तरह लग रहे हैं, अब पूरे पत्ते इसके निकल गए हैं, पतझड़ आ गई है। तो यहाँ पे आ गई मैं घर, ये है मतलब मैं बना रही हूँ घोटा। घोटा बोलते हैं हमारे जो ये मिक्स करते हैं, ये मैंने चाय इसमें हरी मिर्च धनिया और सूखे मसाले प्याज लहसुन सब कुछ ऐड कर दिया था, और इसको मैं कूटूंगी। आपको पता है जैसे भी रहता है मेरे, तो
थोड़े से मैंने धनिया की पत्ती ऐसे रख ली थी, देखिए नीचे प्लेट में, और साथ में टमाटर रखे हैं। तो ये धनिया की पत्ती मैं बाद में ऐड कर देती हूँ, जब तक हमारी दाल अच्छे से मतलब तड़का लगा के ही हो जाती है। तो तड़का लगाने के बाद भी डाल सकते हैं या थोड़ी बाद में भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आती है हरे धनिए की। 2-3 पुदीने की पत्तियाँ डाल दी थी मैंने इसमें साथ में, तो बहुत टेस्टी लगती है। ये हो गया हमारा तेल गरम, और मैंने ये मिक्स जो किया था कुटा हुआ वो मैंने डाल दिया है। तो ऐसे रहता है, मतलब हर रोज़ का रहता है आपके साथ, थोड़ा थोड़ा मैं शेयर करती हूँ मॉर्निंग रूटीन या इवनिंग रूटीन, हर रोज़ की जो भी हमारी रूटीन रहती है गांव गांव में, इस तरह से रहता है। अब देखिए, अब चूल्हे में ही खाना बनेगा क्योंकि ठंड आ गई है, अब तो सुबह सुबह ही आग जलानी पड़ती है, शाम को भी धूप जाने के बाद आग जलानी पड़ती है। दिन को अच्छा रहता है, आग के पास तो उतनी ठंड नहीं होती है, जब बाहर निकलते हैं तो ठंड है। अभी देखिए आप, टाइम एडिट करते बार टाइम हो गया है 9:15, अभी धूप नहीं लगी है, थोड़ी थोड़ी सी निकली है, तो उतनी ठंड हो गई है, अब स्वाटर लगाने का मन करता है। तो अगर जल्दी, जितने जल्दी हम स्वाटर लगाएंगे उतनी आदत जल्दी पड़ जाएगी और ठंड भी ज़्यादा महसूस होगी, इसलिए अभी स्वाटर नहीं निकली है, समझो आप सुबह शाम के लिए तो निकालनी होगी भी अब। तो इस तरह से हो गया था ये मेरा व्लॉग, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। मिलती हूँ आपको दूसरे व्लॉग के साथ।